नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि सर मैं विंडोज 10 में होम एडिशन यूज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने होम एडिशन को प्रो एडिशन में अपग्रेड कर लूं, क्या ये पॉसिबल है विदाउट एनी डेटा लॉस? तो गाइस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो आप होम एडिशन और प्रो एडिशन की बात कर रहे हैं, ये जस्ट एक लाइसेंस है जो आपने परचेज कर रखा होता है। होम एडिशन के कुछ लिमिटेड फीचर है, प्रो एडिशन के कुछ एडवांस फीचर है जिनको आप अपने सिस्टम में यूज कर पाते हैं। तो वो कौन सा लीगल प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होम एडिशन करंटली यूज कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं प्रो एडिशन में अपग्रेड कर लूँ, तो आप कैसे प्रो एडिशन परचेज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास प्रो एडिशन की लाइसेंस की है, तब भी आप होम एडिशन से प्रो एडिशन में विदाउट एनी डेटा लॉस अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टास्क मैं आपको बता रहा हूं। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी में आप जाएंगे। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्टिवेशन का। एक्टिवेशन में आप जाएंगे। एक्टिवेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास लिखा रहा है गो टू द स्टोर, ठीक है। तो यहां पर आप गो टू द स्टोर में आप जाएंगे। गो टू द स्टोर पर जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो आपके पास स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये ओपन होगा और डायरेक्ट आपके पास परचेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपग्रेड टू विंडोज 10 और 11 प्रो। 11 इसलिए लिखा रहा है क्योंकि विंडोज 10 का अगर आप लाइसेंस परचेज कर लेते हैं और आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, तो आप विंडोज 11 प्रो में भी अपग्रेड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको बाय करेंगे तो आप ये जो लाइसेंस की है ये आप परचेज कर सकते हैं। आप नीचे फीचर्स आप देख सकते हैं, होम के कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, जिन जिन में राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन कि वो फीचर आपको होम एडिशन में मिलते हैं। बिट लॉकर, रिमोट डेस्कटॉप, हाइपर वी, प्राइवेट कैटलॉग वगैरह, ये आपको होम एडिशन में नहीं मिलते हैं, जो कि प्रो एडिशन में मिलते हैं। तो लीगली अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस अपना सकते हैं। जस्ट आपको बाय यहाँ पर करना पड़ता है, बाय करके आपको ये लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं रेट यहाँ पे कितना लिखा आ रहा है, अपना पिन वगैरह जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है इससे एसोसिएटेड, आप यहां पर उसकी हेल्प से परचेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आपके पास प्रो की है, यानी कि विंडोज 10 प्रो एडिशन की आपके पास लाइसेंस की है, जेन्युइन लाइसेंस की है, तो आप यहां पर यह ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आई हैव ए विंडोज 10 11 प्रो प्रोडक्ट की, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपके पास चेंज प्रोडक्ट की का जो ऑप्शन आता था वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहां पर आप वो की यहां पे एंटर कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, जो आपका लाइसेंस है विंडोज का वो अपग्रेड हो जाएगा विदाउट एनी डेटा लॉस। इसमें कोई डेटा लॉस आपका नहीं होगा, जस्ट आपका लाइसेंस जो पहले होम एडिशन का था वो अब प्रो एडिशन में अपग्रेड हो जाएगा और आप कुछ एडवांस फीचर यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो ये एक लीगल और जेन्युइन तरीका है जिसमें की आपके पास होनी चाहिए। आपके पास की आपको कैसे अरेंज करनी है ये आपको पता करना है। हालांकि विंडोज 10 को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CMD, वो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जरूर देख सकते हैं। तो गाइज, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आपका कंफ्यूजन दूर करेगा। जो लोग लीगली यहाँ पर अपग्रेड करना चाहते हैं तरीके से परचेज करके, वो ये मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर जिनके पास प्रो एडिशन की है, प्रोडक्ट की है, वो भी ये तरीका यूज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।